नमस्कार, मैं सुनील चौधरी बिहार के समस्तीपुर जिला का रहने वाला हूँ, विलेज दामोदरपुर मोहली। आज मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। साहिल चंदेल जी से मैंने हेल्प मांगा आज, तो साहिल चंदेल जी ने मेरे पास सामान भिजवाए हैं। सामान ये है, चावल भिजवाए हैं, आटा भिजवाए हैं, तेल भिजवाए हैं, सरसों का तेल, दाल दो तरह के भिजवाए हैं और नमक भिजवाए हैं। ये सारे सामान हमें भिजवाए हैं और हमने रिसीव कर लिए हैं। ये सब सामान हमारे पास जितने जितने उन्होंने भेजे ये सब रिसीव कर लिए हैं और हमें जो तकलीफ हो रही थी फिलहाल दो चार दिन के लिए तकलीफ तो टल गई है। नमस्कार दोस्तों, कल ही मैंने YouTube के कम्युनिटी टैब में और बाकी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने कहा था कि दिल्ली NCR जहां मैं रहता हूं और समस्तीपुर ज़िले के लोग इस लॉकडाउन के दौरान किसी विपत्ति में हो तो मुझे फेसबुक पर बताएं, जिसे काफ़ी भारी मात्रा में लोगों ने शेयर किया। नतीजा आज सुबह से ढेर सारे कॉल्स आ रहे थे कि फलानी जगह प्रॉब्लम है, फलानी जगह खाने की दिक्कत है। यहां मुझे ज़रूरत थी वॉलंटियर्स की क्योंकि मैं अकेले सब कुछ हैंडल नहीं कर सकता था, इसलिए नोएडा की कमान मैंने संभाली और प्रीतमपुरा जहां पर कुछ गरीब लड़के जो दिहाड़ी मजदूर थे उनकी मदद के लिए हमारे साथी सहयोगी भी पहुंचे। उन सब के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, पहले देखिए ये छोटी सी वीडियो। दोस्तों नोएडा जा रहा हूं, वहां मुझे पता चला है कि 10-15 फैमिलीज हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। जैसे ही कल मैंने पोस्ट डाला था, उस पोस्ट में मैंने कहा था कि जिस चीज़ को सहायता की ज़रूरत हो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, तो उसी की वजह से मेरे पास कुछ लोगों की कॉल्स आई हैं जिसमें से मैंने सुबह बात की एक से, तो उन्होंने बताया हम नोएडा में रहते हैं और हमारे पास खाने की बड़ी दिक्कत है। तो आप देख रहे हैं मैं भी, क्योंकि पूरा लॉकडाउन हो रखा है, एकदम सुनसान मामला है, लेकिन उनकी हेल्प करनी है तो इसलिए मैं जा रहा हूँ। अभी देखते हैं वहाँ पर कितने लोग हैं और क्या क्या सामान उनको दिया जा सकता है। ये ले लिया हमने आटा, अब चला जाए उन लोगों के घर। आगे अगली वीडियो में बात करते हैं। गाजियाबाद से अब नोएडा आ चुका हूँ और मैं उनका एड्रेस ढूंढ रहा हूँ। हालांकि 2-3 और बात हो चुकी है कि मिल नहीं रहा है, देखते हैं कहाँ पर मिलते हैं। दोस्तों रास्ते भर में मैंने देखा है कि गाज़ियाबाद से नोएडा आते हुए बहुत से लोग जो दिहाड़ी मजदूर वाले लोग थे, बिहार से, यूपी से, उत्तराखंड से, सब लोग बस सामान उठा के चले जा रहे हैं। पता नहीं कहाँ, कैसे कहाँ पहुँचेंगे, नहीं पहुँचेंगे, इनकी भी मजबूरी है, आखिर बैठ के कितना खाएंगे। केजरीवाल जी ने यूँ तो घोषणाएँ बहुत सारी की हैं कि हम गरीबों के लिए ये पैसा दे रहे हैं, हम गरीबों के लिए राशन दे रहे हैं, लेकिन वो है किन गरीबों के लिए, एक्चुअली वो रजिस्टर्ड गरीबों के लिए। तो इसकी वजह से अब इन लोगों को छोड़ना पड़ रहा है। अपने गांव जाएंगे तो शायद वहाँ कुछ ना कुछ तो उन्हें खाने पीने को मिलेगा ही, यहाँ तो किराया भी देना है, उन्हें रहना भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनकी भी मजबूरी है। C9 बोला था कहाँ पे? अभी हम सी ब्लॉक पे पहुँच सकते हैं। हमने ये कुछ सामान ले लिया है, इसमें आलू हैं, आटे की बोरियां हैं, तो बाकी देखते हैं। कितने लोग बताते हैं? हम तो यहाँ पे फैमिली फैमिली तो
हम लोग ऐसा एक परिवार का एक आदमी आ जाए, वो अपने एक परिवार के लिए एक एक आदमी आ जाए, नहीं होगा एक एक दूसरे से कोई भी, ठीक है ना। लेडीज फर्स्ट और बाजूला बना कर इसी जगह पीछे रहो, पीछे 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 मत कोई आपस में। हेलो दोस्तों, मैं राज नोएडा से। आज सुबह साहिल भैया का फ़ोन आया था कि नोएडा में कुछ लोग सेक्टर 4 में भूखे हैं, उन्हें कुछ खाने का सामान तक नहीं है। तो मैं और साहिल भैया दोनों साथ मिलके सेक्टर 4 गए और कुछ सामान इकट्ठा किया और उनको उपलब्ध कराया। वॉलंटियर के तौर पे मैं चाहता हूँ कि आप सभी साहिल भैया के साथ मिलके लोगों की मदद करें। तो दोस्तों, आप भी अपने आसपास किसी मजबूर गरीब को देखें तो उसकी सहायता करें। इसके अलावा बहुत से लोग हमारे इस अभियान के लिए भी सहयोग करना चाह रहे हैं, तो वीडियो के नीचे आपको पेटीएम, गूगल पे और फोन पे के नंबर्स दिख रहे होंगे और ये नंबर्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। जो लोग डोनेट करना चाहें वो कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हमें ज़रूरत है वॉलंटियर्स की, तो आप लोग आगे आएं और सहयोग दें। दोस्तों, नोएडा से राज और प्रीतमपुरा से विनीत जी ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया। वैसे भी ये काफ़ी सारे सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, तो क्योंकि हर जगह मैं खुद नहीं जा सकता, इसलिए हमने दिल्ली के दूसरे क्षेत्र में फंसे लोगों की समस्या इनसे साझा किया और बिना समय गंवाए इन्होंने उन लोगों की मदद की। इसी प्रकार से हम चाहते हैं कि आप लोग भी हमसे जुड़कर देश के काम आए, सेवा करें, ताकि कहीं भी देश में कोई भूखा ना रह सके। जय हिंद, वंदे मातरम।